फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गुप्ता श्री जगत पाल अंगना द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज से आज मैं आपके साथ गृह विज्ञान क्लास 9 का वीडियो शेयर करने चल रही हूँ। तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गृह विज्ञान के कितनी इकाई है और कितने नंबर में पूछा जाता है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि जो गृह विज्ञान का पेपर है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर के आपके थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं और 30 नंबर का जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट आपके सिलेबस में है। तो टोटल इसमें 5 यूनिट हैं जिसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ। पहली यूनिट है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध जो आपकी पहली यूनिट है इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गृह प्रबंध जो है सीधा संबंधित है आपके घर से, इसमें परिवार की आय कितनी है, गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या है, गृह विज्ञान से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं जो हमारे गृह व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, गृह व्यवस्था के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं जो हमारे समाज को हमारे परिवार को प्रभावित करते हैं, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम गृह प्रबंध से में करेंगे। दूसरा हमारा यूनिट है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा जो है 15 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। 15 नंबर के प्रश्न जो इसमें पुटक किए जाते हैं उसमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करेंगे, उनके स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करेंगे, हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य और अपने पारिवारिक स्वास्थ्य की देखरेख कैसे करेंगे, वे कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को उचित ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं, इत्यादि का अध्ययन हम स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत करेंगे। तीसरा यूनिट जो है वस्त्र एवं सूत विज्ञान। वस्त्र एवं सूत विज्ञान जिससे 10 नंबर के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, इसमें आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, कपड़ों के तंतु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और यहाँ पे मौसम के अनुकूल किन कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इत्यादि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। चौथी यूनिट है भोजन तथा पोषण विज्ञान, जिससे हम 15 नंबर के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं आपकी परीक्षा में। इसमें हम पढ़ेंगे कि भोजन और पोषण विज्ञान, भोजन जैसा कि एक बहुत ही न्यूट्रिशियस एलिमेंट है, तो इसमें हम जानेंगे भोजन क्या है। पहले भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भोजन कैसे होता है, भोजन एक संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी चीज संतुलित आहार में सम्मिलित होती है, जैसे कि हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, लिपिड इत्यादि का क्या महत्व है, कौन सी चीजें कितनी मात्रा में हमें लेनी है, और पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान से सीधा संबंध है कि आपको कितनी मात्रा में विटामिन लेनी है, कौन कौन से विटामिन आपके भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोटीन्स आपके भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए, और यदि आप इन चीजों का अपने भोजन में समन्वय नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या हानियां होनी है वाली है, जैसे प्रोटीन की कमी से या संतुलित आहार ना लेने की कमी से आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसा कि क्वासेक्वायर, मैरेस्मस, स्कर्वी एंड ऑल। तो नेक्स्ट वन यूनिट है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जिससे 15 नंबर के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का सीधा संबंध है कि यदि आपको अचानक कहीं पे चोट लग गई या आप कहीं पे घायल हो गए तो उस दौरान में उस इमरजेंसी कंडीशन में आप कैसे अपना ध्यान रखेंगे, मीन्स जैसे कि आपके घर में ही है, आपको किसी जानवर ने बाइट कर लिया, आपका नाइफ से सब्जी काटते हुए चाकू से कट गया उंगली, तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट एडिंग अपनी कैसे करेंगे, इससे संबंधित इसमें अध्ययन होगा। गृह परिचर्या मीन्स जब रोगी बीमार होगा तो उसकी उचित देखभाल आप कैसे करेंगे, इसमें इस चैप्टर से संबंधित है। रोगी की उचित देखभाल, उनका रखरखाव, कमरे की व्यवस्था, उसका खान पान इत्यादि
यूनिट 5 में आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो मॉक डिवीजन है 5 यूनिट के आपके 70 नंबर के हो गए और 30 नंबर का आपका प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस तरीके से 70 and 30 = 100 और इस तरीके से आपका 100 नंबर का गृह विज्ञान का पेपर बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।